तो नॉर्मल ही स्पीड पे चला, 80-100 ये ऊपर ना चलाओ, क्योंकि कंट्रोल वो नहीं रहे, मतलब उनका कंट्रोल नहीं। हम लोग भी चले आए 500 किलोमीटर करीबन दूर, अब अंदर जाके इसके एक्सप्लोर करेंगे क्या है क्या नहीं है। काफी जबरदस्त है, पूरा धूम कर लेते हैं, देखो जबरदस्त। मैंगलुरु से जैसे ही निकलते हो तो मैंगलुरु से सीधा जैसे आज मतलब कर्नाटका से गोकर्ण से तो काफी ज्यादा अच्छे रोड है, इससे तो कंपेयर करते हो तो 99% अच्छे है। अभी बच चुके हैं 7, निकलने वाले थे पहले 5 बजे, आज तीसरा दिन है, सीधा गाड़ी निकलने वाली है केरला और आगे भी बड़ी बहुत बड़ी लंबी ट्रिप है, 800 किलोमीटर कंटिन्यूसली गाड़ी चलाने वाले अगर हो सकती है तो। कल का ब्लॉग आपने देखा होगा टोल कैसे बीच में जो है मैंने चेक इन किया था, जो बीच में जो आता है ना यहाँ से जाते कर्नाटक क्रॉस जैसे ही करते एक पहला टोल आता है, वो मतलब वो जब रास्ते पे फास्टैग वगैरह लेते हो तो आपको पता ही है क्या होता है। आप सीधा जहाँ पे आप देख सकते हो ये होटल चेक इन किया था हमने, ये कुछ होटल है, होटल तो काफ़ी बढ़िया था यार, यहाँ पे कुछ आउटडोर में व्यू देख लो इतना ज़बरदस्त है विंडशील्ड के बाद। और दूसरी बात यहाँ पे लगेजेस वगैरह हमें ही हमारे लेके जाना है, सर्विस तो है लेकिन क्यू टिप देनी है, तो यहाँ से सीधा अभी चेकआउट किया हुआ है होटल में, 7 बज चुके हैं, कम से कम ब्रेकफास्ट वगैरह इंक्लूडेड किया हुआ था हमने, तो 7:30 बज के करीबन 7:45 या 7:30 बजे यहाँ से चेकआउट हो जाएगा हमारा, और यहाँ से सीधा 7:45 बजे पेट्रोल वगैरह फुल करके निकलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे मैंगलुरु में इस वक्त में है महबूब इधर, हमारे फ्रेंड्स भी है तो 4 लोग हैं हम जो है वो गाड़ी में, तो मैंगलुरु में पेट्रोल का रेट कम है तो यहाँ पर ही टंकी फुल करेंगे, यहाँ से सीधा जो है वो साउथ लगाएंगे गाड़ी और यहाँ पे पूरा मतलब यहाँ से कहाँ पे जाने वाले वो बाद में बताता हूँ आपको, पहले होटल चेकआउट करता हूँ, मेरे जो है फ्रेंड्स जो है तैयार हो रहे, तो यहाँ पे जो आप लगेजेस देख सकते हो लिफ्ट रेडी है, तो पहले गाड़ी में जो है वो सब कुछ जो है वो सामान वगैरह डालता हूँ और यहाँ से भाग लेता हूँ, निकल लेता हूँ, चलो लेट्स गो। फाइनली आप देख सकते हो हमने जो है वो चेकआउट होटल किया हुआ है, फाइनली अभी यहाँ पे अपनी गाड़ी बिल्कुल सेट है तो जा रहे हैं ये जो है वो गाड़ी लेके विद सामान विद लगेज। और दूसरी बात है कि ये जो टोटल ना अपना डिस्टेंट है वो कवर अप होने वाला, थोड़ा सा गला भी बैठ चुका है तो डिस्टेंट कवर अप होने वाला है करीबन 300 या 350 किलोमीटर कंटिन्यूसली जो है वो गाड़ी चलाने वाला है। ये कुछ जो होटल था गंगा सागर, काफ़ी अच्छी हॉस्पिटैलिटी थी, खाना वाना बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था, तो सीधा निकलने वाला है, सामान वामान जो है वो अपना ये पैक कर लिया है लगेज वगैरह, तो यहाँ पर आप देख सकते हो चीटियाँ थी यार गाड़ी में तो बहुत प्रॉब्लम है, अंदर लगेज वगैरह पैक कर लिया है तो निकल रहे हैं गाड़ी को लेके, तो लेट्स गो फाइनली सीधा 300 किलोमीटर जो है वो गाड़ी लगाते हैं। यहाँ पे पेट्रोल पहले मतलब यहाँ पे जो है वो महाराष्ट्र का ही रेट आप देख सकते हो 102 है, तो हमें कोई सेंस नहीं बनता है कि यहाँ पे पेट्रोल भर दें 102 है। अब जहाँ पे केरल वगैरह गाड़ी लेके जाएंगे ना बीच में जो है वो मैसूर पैलेस है वहाँ पे भी देखेंगे बीच में पेट्रोल अगर होता है तो वहाँ पे भी फिलअप करेंगे कम मिलता है तो, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी गाड़ी रोक दी, पेट्रोल थोड़ा आप देख सकते हो कम है तो चांस नहीं लेना यार बीच में, तो यहाँ से कंटिन्यू भगाएंगे गाड़ी क्योंकि हाईवे मिलेगा आपने हमें, तो यहाँ पे जो है वो फिलअप कर रहे हैं पेट्रोल, गाड़ी यहाँ पे रोक दिए 5-20 मिनट, यहाँ से सीधा हाईवे है ये देख सकते हो, लेफ्ट मारते हो तो डायरेक्टली जो है वो उल्टा कनेक्टेड टू जो है वो साउथ हम जाएंगे ना मैसूर, वहाँ पे ये जो कनेक्टेड होता है यू टर्न मार के, और यहाँ पे जो है फिलअप किया हुआ है पेट्रोल फाइनली पेट्रोल और डीजल, तो मैंगलोर से सीधा हम लोग जो है वो निकल पड़े, पेट्रोल तो आपने भरा तो फुल ही किया यार हमारे जितने ही रेट है यार, तो ये देखो ये जो रोड आपको दिख रहे हैं ना एक तो कर्व्स बहुत है और आपको ये पता था उन्होंने किया क्या है मतलब डाइवर्ट किया है सारे रूट, मतलब हाईवे पे जो है वो सारे जो है वो लोग गाँव के लोग है वो अटैच होके पूरी भीड़ नहीं इकट्ठा क्राउड नहीं होना चाहिए इसलिए उन्होंने पूरे डाइवर्ट करके रखे, तो यहाँ पे जाने अभी ये देख लो कितना डेंजरस रोड है, अब ये जो रोड देख रहा है ना आपको अगर आप यहाँ पे यानी कि मैसूर जाने का प्लान कर रहे हो ये देखो वन साइड कितना गैप कम मिलता है आपको गाड़ी चलाने में, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है अगर आपकी बड़ी एसयूवी है तो, यहाँ पे देखो एक रोड ही एंड हो जाता है डेड एंड है मतलब गाड़ी पलट भी सकती है इतना, मतलब यहाँ पे एंड कोई गैप नहीं है बीच में सीधा 2-4 फुट ऐसा गड्ढा है, तो ये आप प्रिकॉशन काफ़ी रखें, और फिर व्यू देखो यार इतना ज़बरदस्त है प्यार, तो लगाते हैं गाड़ी अब देखेंगे मैसूर का सबसे प्यारा पैलेस, अब एवरेज भी सब पता चल जाएगा अपना डिजायर कितना दे रहे, फिलहाल तो अभी दे रही है 510 के फुल किया हुआ है इस पेट्रोल में, 16 का माइलेज भी दे रही है, अगर आप रिसेट मारते हो अपनी गाड़ी का भी अगर आपकी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हो तो आप और डिजिटली रिसेट मार सकते हो तो 0-0 करके काउंट होती है, तो फर्स्ट ए सी के अभी कोई इंजन भी वार्म अप नहीं होता तो नॉर्मली आपको 18-19 का माइलेज मिलेगा। और दूसरी बात है रोड्स ठीक ठाक है, ऐसा नहीं कि अच्छे हैं प्लेन है बीच में अनसेटल रोड है, तो चलो चलते हैं।
तो फाइनली ये जो है मेन रोड पे आ गए हैं भाई। कर्व्स बहुत तैयार का मतलब ग्रीनरी काफी थी देखने लायक, मतलब हर जगह जो है वो छोटे छोटे मंदिर वगैरह है, लेकिन सब जगह देखते रहेंगे तो यहाँ मैसूर पैलेस में लेट हो जाएंगे। यहाँ पे सीधा शार्प लेफ्ट टर्न लेना है आपको और ये कनेक्ट होता है, अभी कहीं पे राइट लेफ्ट लेना नहीं है, सीधा जाएंगे हम मैसूर के पैलेस में और एंटर करने के बाद गाड़ी पार्किंग में लगाने के बाद आपको एक्सप्लोर कराएंगे कि टोटल जो है वो मैसूर पैलेस कैसा है। रोड यहाँ के मैं बता दूँ इतने अच्छे नहीं है, कन्वीनियंट काफ़ी नहीं है, गाड़ी हिलती है कम्प्लीटली। अगर आप ट्रिपल डिजिट स्पीड गेन करते हो तो यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको वो जो है वो कम्प्लीटली रूल फॉलो नहीं करते, लेफ्ट राइट कहीं से भी आ जाते हैं। तो यहाँ पे आ जाते हो तो बी केयरफुल कि आपकी व्हीकल है, अगर आप अलग पासिंग के हो तो नॉर्मल ही स्पीड पे चलाओ, 80-100 ये ऊपर ना चलाओ क्योंकि कंट्रोल नहीं रहता है हमारा, तो हो जाएगा किसी भी आराम रहेगा दो एयर बैग से, लेकिन उनके जो मोटरसाइकिल वालों को क्या है। और ये देखो अचानक से स्पीड ब्रेकर वगैरह आते हैं तो प्रॉब्लम तो है। तो सीधा चलते हैं यहाँ से, कितना किलोमीटर है यहाँ से जो है मैसूर पैलेस, 230 किलोमीटर कवर अप करना है जिससे तो 1.5 घंटे में अगर ऐसे रोड रहेंगे तो काफ़ी जो है वो जल्दी पहुँच जाएंगे बीच में गड्ढे वड्ढे। तो क्या ही है पहुँच जाएंगे, 3-3 घंटे लग जाते हैं, 230 किलोमीटर है, 1-1.5 घंटे में अगर प्लेन रोड हो तो पहुँच जाएंगे भाई। यहाँ के रोड देख लो यार, मतलब बीच में आ गए फ्लाईओवर के, यहाँ से सीधा लेफ्ट घुसा दी, ये देखो ये पैच देखो, अब देखो रोड एक बाइक रोड सुधारे जाते हैं, डेवलपमेंट होते हैं अंडर डेवलपमेंट, ये देखो अभी गाड़ी भी लग गया हमारी स्टेट। ये जो रोड है ना थोड़े पैच वर्क तो करनी चाहिए कम से कम जो है वो मैक्सिमम अपने जो पैसेंजर नॉर्मल व्हीकल है वो तो जा सके। इसी के साथ भाई फाइनली जो है वो यहाँ पे पार्क करते हैं फिर से अगेन, क्योंकि एक व्यू दिखाता हूँ यार आपको, ये देख लो यार वाटरफॉल, वो देखने के लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं, क्या जबरदस्त वाटरफॉल है, थोड़ा बहुत एंजॉय भी कर लेंगे यार वाटरफॉल में, क्या बुराई है यार। यहाँ पे पार्क कर दिए फिलहाल अपनी जो है वो डिजायर, और एक सीन दिखाता हूँ यार आपको, वो देख के ना मतलब यू विल बी डेफिनेटली फ्लैट होने वाले हो यार, ये देख लो तू एक्सपेक्ट कर लेता हूँ यार, क्या पहाड़ है यार, वैसे ही पहाड़ है हमारे इलाके से सोलापुर जाते हो वैसे ही पहाड़ है, या फिर थोड़ी सी बहुत ऊँची ऊँची याद आती है यार ये वगैरह पहाड़ वगैरह, देखो क्या जबरदस्त है। और यहाँ से यहाँ वाटरफॉल के लिए यहाँ से जाने वाले सेम आंबोली वगैरह जाते हैं तो वैसे की वैसे जो है वो दिखाई पड़ता है यार, कोई स्ट्रक्चर कोई चेंजेस नहीं है। तो फिलहाल अपनी डिजायर यहाँ पर पार्क कर दीजिए, पार्किंग के लिए कभी कोई स्पेस ही नहीं है, तो ठीक है पार्क कर दिए, हम चलते हैं यहाँ से सीधा वाटरफॉल एंजॉय करने के लिए और डायरेक्टली मैसूर गाड़ी लगाते हैं, और बीच में कोई डेस्टिनेशन हो तो मज़ा ही आता है यार, मतलब जो है वो फील लेने का थोड़ा, तो फील भी लेनी चाहिए ना। तो ऐसे करते करते वाटरफॉल वगैरह सब कुछ जो है वो ट्रैवल करते करते मैंने दिखाया था ऑलरेडी, काफ़ी ज़्यादा काफ़ी बड़ा था वाटरफॉल वो करके कोर्ग में आए हुए हैं, कोर्ग देख लो आप पूरी ग्रीनरी है, बड़े बड़े पेड़ हैं, और यहाँ से सीधा मैसूर लगाना है गाड़ी क्योंकि कोर्ग जाने में कोई मतलब वो टाइम नहीं मैनेज होगा, वो अंदर है एबे वाटरफॉल जो है वो डेस्टिनेशन एबे नाम का, और वो पीछे चला गया तो हमने सोचा रिटर्न आते हुए कर ले वो प्लानिंग, लेकिन यहाँ की ये आप देख सकते हो और यार ये मतलब और से मैसूर मेरे ख्याल से मैसूर पैलेस यहाँ से अभी 100 मीटर जो है वो किलोमीटर था, अभी 90-80 होगा, 90-80 किलोमीटर, सीधा गाड़ी डालूंगा, 1 घंटा तो लगेगा। डर है कि क्या है पता नहीं चलता, इन लोगों को डायरेक्टली टो करके लेके जाना चाहिए, तो चलो चलते हैं। बस साउथ पहुंच गए, अब प्रॉपर साउथ है, अभी कर्नाटक अभी छोड़ दिए। ये देखो सामने ये ट्रक जा रहा है ना, मतलब ऐसे सैंपल आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, वन साइड देखो पूरी की पूरी वो पार्टीशन है वो लूज हो चुका है, लूज क्या पूरा गया हुआ है, अगर कोई मतलब इमीडिएट कोई मोटरसाइकिल उस टाइम आ जाए गलती से या फोर व्हीलर वाला तो छोड़ दो बच भी जाएगा, गलती से बचेगा भी नहीं क्योंकि अगर लाइट बिल्ड क्वालिटी हो तो, लेकिन मोटरसाइकिल वाला हो इमीडिएटली खत्म हो सकता है, विच इज़ वेरी डेंजरस, ये ओवरलोड किया हुआ है, ऐसे ट्रक वालों को समझाना क्या है यार, मतलब पुलिस की इंक्वायरी करनी चाहिए, पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए यार इनको, ये दूसरे की जान जोखिम में डाल रहे, डेंजरस है यार ये सब,
ये मतलब ये देखो पूरा वन साइड लेफ्ट टिल्ड हो चुका है यार, अगर गलती से भी जानबूझ के खड्डे में डालता है ना जोर से और इम्पैक्ट हो जाए पूरा गिर जाएगा मोटरसाइकिल। ऐसे करते करते भाई 9 किलोमीटर बस रेडी है हमें जो है वो मैसूर जो है वहाँ पे जाने के लिए। और यहाँ पे देख सकते हो रोड काफी अच्छी है, पहले जो है कर्व और मतलब कुर्ग हमने जैसे ही क्रॉस किया ना ऐसे रोड आपको देखने को नहीं मिलेंगे, काफी अच्छे थे। अगर ये पहले से मिल जाते ना रोड तो इमीडिएट पहुंच जाते वहाँ पे। एस्टिमेट टाइम हमें बता रहा था 3:30 बजे, उससे ही पहले पहुंच गए। अच्छा हुआ GPS वगैरह सब कुछ जो है वो बताता है कितना ट्रैफिक होता है वगैरह सब कुछ। वहाँ पे एक मील है आपको ये जो धुआं दिख रहा है ना पिछाड़ियों के पीछे, अब एक मील है अच्छी सी और 9-8 किलोमीटर बस बच चुके हैं वो प्रॉपर जो है वो एक्सप्लोर करने के लिए। काफ़ी एक्साइटमेंट है मैसूर पैलेस देखने के लिए, काफ़ी बड़ा मैसूर पैलेस है। तो चलो सीधा वहीं पे, अभी पार्किंग वार्किंग वहीं पे, लेकिन क्योंकि फर्स्ट टाइम जा रहे हैं कुछ पता नहीं है एग्जैक्टली कहाँ पे क्या है, तो लेट्स गो। चलो को दिखा रहा था फाइनली वो घड़ी आ चुकी है, फाइनली पहुंच गए पार्किंग में, सेफ गाड़ी वगैरह लगा दी। और ये है आपके सामने जो मैं मैसूर का पैलेस देखने वाला था, बहुत जो है वो सालों से मैं नहीं गया। ये है आपकी बिल्कुल ठीक सामने, इतना ज़्यादा प्यारा है ना मैं आपको बता दूँ, ये देख लो व्हाट अ लवली लोकेशन यार, दिस इज़ द मैसूर पैलेस। बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं देखने के लिए, हम लोग भी चले आए 500 किलोमीटर करीबन दूर। अब अंदर जाके इसके एक्सप्लोर करेंगे क्या है क्या नहीं है, काफ़ी ज़बरदस्त है, पूरा जूम कर लेते हैं देखो ज़बरदस्त। चलिए बता रहा हूँ क्या गजब है यार, व्हाट अ लवली फ्रीकिंग लोकेशन, अमेजिंग। ये इंटीरियर देख लो, देख रहे हो इतना सबसे ज़बरदस्त यार जो इंटीरियर आप देख सकते हो ना, उस ज़माने की जो है ना स्क्वैटिश है ना उस ज़माने की याद दिलाता है, काफ़ी जो है वो यू नो ज़बरदस्त है। देख लो इंटीरियर देख लो यार, एक नंबर।